सभी को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ठीक है, एक नया स्टार्टिंग किया है और फर्स्ट टाइम जो है अल्टीमेटली आरएस एंटरप्राइजेज ने इसकी शुरुआत की है। यस सर, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा पार्ट है एग्जीबिशन में जो है पार्टिसिपेट करना। राइट, सर जैसे लास्ट सती सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था कि लास्ट ढाई साल से आप आरएस एंटरप्राइज के साथ वर्क कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर एग्जैक्टली आपका? देखिए नो डाउट अल्टीमेटली नंबर ऑफ मशीन चल रही है, हमारे यहाँ 1 लाख बैग पर डे पैक होता है, ठीक है, और मैक्सिमम मशीनें जो है अल्टीमेटली आरएस एंटरप्राइजेस का लगा हुआ है। ओके, तो मैंने देखा कि तो मशीन की क्वालिटी, उसके आउटपुट, ठीक है, और जीरो डिफेक्ट, मेंटेनेंस काफ़ी कम है। ओके, ठीक है, तो उस एंगल से अगर मैं बातचीत करूँ, ओके, तो जितने भी मशीन हम लोगों ने इस्तेमाल की है लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। ओके, और मशीन के अंदर नो डाउट कोई ना कोई टेक्निकल इशू आता रहता है, लेकिन सर्विस अगर मैं बात करूँ तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। मतलब सर्विस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सर्विस अगर मान लिया आपको ऑन टाइम मिल जाती है तो जो प्रॉब्लम है वो फिर प्रॉब्लम लगती नहीं है, ठीक है, सोल्यूशन लगता है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में जिस तरीके से लेबर का शॉर्टेज है तो मैनुअल काम डे बाई डे कम होता जाएगा, ठीक है, और सिस्टम मशीन पर शिफ्ट होता जा रहा है, तो उस एंगल से अगर हम बात करें तो जो ये मशीन है, और अभी तो हमारे और अभी रिक्वायरमेंट है मशीन की जिस तरह सेटअप चला हुआ है, सर तो रेडी है, बिल्कुल हम लोग रेडी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सर कल जैसे कि हम लोग स्टडी कर रहे थे आपके बारे में, तो मुझे रिसेंटली देखा कि 6PEP को आपको PhD का भी डिग्री मिला है रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। लास्ट 20 ईयर से हम इस बिजनेस को रन कर रहे हैं सकर्नी ग्रुप को। एग्जैक्टली कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं आपकी जो आप फॉलो करते हो, दूसरा 10,000 प्लस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे इंडिया के अंदर, तो कुछ टिप्स देना चाहोगे हम लोगों के लिए, लाइक हम कैसे इनहेंस करें? इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो नो डाउट हर काम में कोई ना कोई चैलेंज रहता है। ओके, उस चैलेंज को, उसको प्रॉब्लम को ना समझते हुए अगर आप लगातार एफर्ट्स करते हैं और वो सोल्यूशन अगर ढूंढते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। इम्पॉसिबल हमेशा एक शब्द बन जाता है, तो उसके अंदर पॉसिबल छुपा हुआ है, ठीक है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। और कोई भी काम अगर आप लगातार एफर्ट्स करते हैं, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ कि पानी की बूंद भी अगर पत्थर पर लगातार गिरती रहेगी तो सुराख कर देती है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको रेगुलर एफर्ट्स करना है, आपको क्विक नहीं करना है। ज़्यादातर होता है कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो अपन लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है, आपको सिचुएशन के साथ फाइट करना है, उसको समझना है, उसको सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक। अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो मिलेगा। अब देखिए आपकी कंपनी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत छोटा ग्रुप है, और आज अल्टीमेटली जो आप लोगों ने हिम्मत दिखाई है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी पार्टिसिपेट करती है नॉर्मली। नहीं नहीं सर, वो है भी, और हमने बिल्डिंग द ट्रस्ट इन विद क्वालिटी टैगलाइन भी लेके चल रहे हैं, तो फोकस ऑन दैट कि हम लोग उस पर वर्क करेंगे डेफिनेटली। नहीं नहीं, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो इसका, और मैं पूरा उम्मीद है कि डे बाई डे ग्रो करेगी कंपनी और आगे बढ़ेगी, ठीक, और हमारा कॉपरेशन हमेशा साथ रहेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। बाकी सर एक बार वो अवार्ड जो भेंट के लिए आप आ जाइए। अरे अरे अरे, 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 अरे।